जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी साधारण सी पूजा से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। दोस्तों, उनसे जुड़ा ये त्योहार यानी कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है दोस्तों, इस दिन व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, साथ ही दोस्तों व्रत करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जो है वो पूरी कर देते हैं। दोस्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने का विधान होता है, तो साथ ही दोस्तों इसमें सिंपल पूजा का विधान है, लेकिन पूजा से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जिनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि भगवान शिव की असीम कृपा जो है हम पर जो है बरसती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जरूर से लिखिएगा जय भोलेनाथ। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना है, भूल कर भी नहीं करना है शिव पूजा में ऐसी गलतियाँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही सिंपल सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आंख के फूल जो जिसे आकड़ा या मदार भी कहा जाता है उसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही सफ़ेद फूल जो है विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, केतकी के फूल भी सफ़ेद होते हैं लेकिन वो भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ते। इसमें आपने भूल कर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने, आप कोई भी सफ़ेद फूल चढ़ाएं, आंख के फूल चढ़ाएं, धतूरे के फूल चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आपने विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि भगवान भोलेनाथ को आपने केतकी के फूल नहीं चढ़ाने हैं। दूसरी जो चीज़ इसका ख्याल रखना है वो है दोस्तों तुलसी। तुलसी वैसे तो दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई, हर पूजा में हर प्रसाद में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों भगवान शिव की पूजा में ये नियम विपरीत है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग जो है वो वर्जित होती है, शिवलिंग में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका आपने विशेष ख्याल रखना है। अगली चीज दोस्तों, शिवलिंग पे आपने कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने। शिवलिंग पे हमेशा अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल जो है वो आपने पानी में भिगा कर आपने फिर चढ़ाने, एकदम ख्याल से आपने चढ़ाना कि कोई भी टूटा हुआ चावल जो पूजा में ना यूज हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों को दोस्तों अशुभ माना जाता है, अशुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि भगवान शिव को जब आप शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं तो वह टूटे हुए ना हो। दोस्तों, जब आप पूजा करें भगवान भोलेनाथ की तो बिलपत्र आप अवश्य ही चढ़ाते, लेकिन दोस्तों बिलपत्र का चयन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में जो बिलपत्र आप यूज करते हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, उसकी तीनों पत्तियां जो है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं हो, किसी कीड़े द्वारा खाया हुआ ना हो। साथ ही दोस्तों, पूजा में आपने विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र के साथ में शमी पत्र भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र के साथ साथ शमी पत्र भी विशेष तौर पर प्रिय है, तो आपने इस महाशिवरात्रि पर पूजा में शमी पत्र का इस्तेमाल जरूर से करना है। साथ ही दोस्तों, दुर्वा चढ़ाना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से दुर्वा का चयन करना चाहिए, साफ सुथरी धुली हुई जो है दुर्वा आपने भोलेनाथ को चढ़ानी है। अगली जो चीज़ जो वर्जित है वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी को दोस्तों सौभाग्य की निशानी समझा जाता है, माँ पार्वती को अवश्य आपने हल्दी चढ़ानी चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर भूल कर भी दोस्तों आपने कुमकुम और हल्दी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, ये पांच चीज़ें हैं जिनका आपने विशेष ख्याल रखना है। वैसे नॉर्मली भगवान भोलेनाथ दोस्तों जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, कच्चे दूध का इस्तेमाल करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, काले तिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों ये कहा गया है कि काले तिल जो है भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें शिव पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों शिव पूजा में तिल के उपयोग करने से रोग कटते हैं, इसलिए आपने जरूर से कच्चे दूध और जल में
काले तिल मिलाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक आप करें, इससे आपकी कोई भी बीमारी या शारीरिक कष्ट है तो वो दूर होगा, साथ ही शनि दशा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये थी दोस्तों शिव पूजा से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट भी आपने जरूर से लिखना है जय भोलेनाथ। चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रटते रहिए जय भोलेनाथ।